अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूखी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन ये है आलू और शिमला मिर्च का, और बनकर तैयार होती है बहुत ही डिलीशियस सब्जी। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 3 से 4 ये हैं आलू मेरे, 2 मीडियम साइज़ का है टमाटर, और 4 से 5 हरी मिर्च, ये एक दरमियाने साइज़ का है प्याज, और ये मेरे पास हैं 3 शिमला मिर्च, येलो है, ग्रीन है और ये रेड है। मैं इस तरह से इनके जो है बिया निकाल लूँगी फिर काटूँगी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। इनको सबसे पहले मैं धो लूँगी और धोने के बाद जो है फिर काटूँगी। सब्जियाँ मेरी कट गई हैं और मैंने यहाँ फ्लेम को ऑन कर दिया, ये कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब इसको गर्म होने देंगे और इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, और इसको गर्म होने दूंगी, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। फिर इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरे को क्रकल होने देंगे और इसमें डालेंगे अब हम अपनी ऑमलेट का जो हमने चॉप किया था प्याज। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने आलू। ये देखिए आलू को मैंने नॉर्मली काटा है, जैसे सब्जियों के आलू काटे जाते हैं रोज़मर्रा में घर में, उसी साइज़ के मैंने आलू को काटा हुआ है। ये देखिए आलू हमारे हो गए हैं और मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी ये 6 से 7 कलियाँ मैंने चॉप की हुई थी लहसुन, और ये 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और हरी मिर्च मैंने काट लिया था इसमें, ये मैं ऐड कर दूँगी और सबको ये मिक्स कर लूँगी। इस पॉइंट पे अदरक और लहसुन मिर्च डाल देने से, और साथ में मैं भूनूंगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए इनको भूना है, इससे हमारे आलू में क्रंची फ्लेवर आ जाएगा और खाने में बहुत ये लजीज बनेगी। ये देखिए हमारे अदरक लहसुन और हरी मिर्च आलू के साथ सब भुन गए हैं। आलू हमारे देखिए भुन गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए मेरा आलू भी ये गल गया है। और इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें, ये मैंने दिखाया था आपको दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया था, और इसको मैं भूनूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 1 टीस्पून कलर के लिए है कश्मीरी लाल पाउडर, और इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, बस ये तो कलर के लिए है। अब मैं इनको मिक्स करूँगी, इनको भून लूँगी। टमाटर जो मैंने डाला है, टमाटरों का जो पानी छूटेगा तो आलू में एकदम लिपटे लिपटे से आलू हो जाएंगे, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस टमाटर लीजिएगा तो लाल लीजिएगा, ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छी आती है, कलर अच्छा आता है। और मैं इनको यहाँ भून लूँगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर पानी डाले ही भूनूँगी। और ये टमाटरों के साथों साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, और ये नमक डाल दिया है तो टमाटर और आलू अच्छे से सब पक जाएंगे। और मैं यहाँ पे अब लगा दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए लीड। ये देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसमें लीड लगा दिया था, कितनी बेहतरीन ये हमारे आलू टमाटर। और इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी ये जो शिमला मिर्च मैंने काटा था, रेड येलो और ग्रीन, ये इसमें मैं डाल दूंगी। ये यहाँ पे शिमला मिर्च आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा था, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। शिमला मिर्च को हमको ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि ज़्यादा गल जाने से फिर ये इसकी खूबसूरती चली जाती है। और ये देखिए इसका क्रंचीपन फिर चला जाएगा। अब हम इसको स्टेज पर इसमें 2 मिनट के लिए हम लीड लगा देंगे। तो आइए अब देख लेते हैं हमारे सब्ज़ी को, हमने 2 मिनट के लिए लिड लगा दिया था, और इसको देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऑलमोस्ट ये सब्ज़ी हमारी जो है आलू शिमला मिर्च की ये यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी कलरफुल सब्ज़ी बनी है ये। और हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और
अब हम इसमें जो डालने वाले हैं एक मैजिकल ट्विस्ट, जिसके डालने से आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये है मैगी मसाला है मैजिक। अब मैं ये मैगी मसाला को जो है इसी में मिला दूंगी, फ्लेवरफुल ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है नाश्ते की तैयार हो गई है। मैगी मसाला डालने से इसका जो है सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवरफुल हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इसको और बड़े भी बहुत पसंद करेंगे। अब नाश्ते में रोज़ रोज़ की झंझट ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कितनी बेहतरीन लाजवाब हमारी कलरफुल आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी ये तैयार हो गई है। फ्लेम को अब मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसको सर्व करूंगी। तो ये देखिए ये हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है नाश्ते की कह लीजिए तैयार हो गई है। देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। मैं इसको हरा धनिया से गार्निश कर दूंगी। इसमें जो मैंने मैगी मसाला डाला है, फिर आपको गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैगी मसाला जो है वो 10 चुनिंदा मसालों से तो खुद बना होता है, इसलिए फिर इसमें गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको पराठे से खाइएगा, पूड़ी से खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।